बद्रीनाथ विधानसभा से एक युवा प्रत्याशी जिन पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया हमारे साथ हैं, भगवती प्रसाद मेंदोली। आम आदमी पार्टी के अगर कहें तो एक यंग कैंडिडेट हैं और इस समय अपनी तरफ से अगर कहें तो आम आदमी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। भगवती प्रसाद जी, कैसी तैयारी चल रही है? एक यंग प्रत्याशी हैं, सामने दिग्गज हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके माध्यम से आज रेणी आपदा जो आई थी पिछले साल, आज उसकी एक वर्षी है। मैं उसमें जितने भी लोग मारे गए थे उनके परिवार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को सुखी और समृद्ध रखें। और जहाँ तक कि विधानसभा की तैयारी को लेकर है, इस बार आम आदमी पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी के तौर पर मुझे मैदान में उतारा है और युवाओं का जो जोश, और जब हम गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं तो महिलाओं का और युवाओं का सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान बन रहा है, क्योंकि 21 सालों से रोजगार के लिए उस उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ और लोग युवाओं से खास तौर से इसी रोजगार को लेकर, जो आज हमारे युवा भाई और बहनें जो घर में बैठी हैं BA MA करने के बाद या प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आज नौकरियां नहीं हैं, तो हम लोगों पे एक निगाहें टिकाए हैं। नहीं, एक सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि सामने तो दिग्गज हैं अगर देखा जाए तो, एक तो आपके कई बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस ने फिर उनको टिकट दे दिया है, पूर्व विधायक भी अभी और मौजूदा विधायक भी आपके सामने हैं और आप यंग कैंडिडेट हैं, तो चुनौती किस तरह से आप इनका सामना कैसे कर रहे हैं? देखो, मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए और 10 साल कांग्रेस को दिए, पर आखिर यहाँ के युवाओं के लिए कोई भला तो नहीं कर पाए ना। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, जनता बदलाव के लिए है। आज मैं एक छोटा बम बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले होंगे, युवाओं के फेवर के होंगे। नहीं तो भगवती जी, अगर बात करें यहाँ पर जो मेन मुद्दे तो हैं ही, अगर आप जिस तरह से आप बता रहे हैं रोजगार की, ये पर विधानसभा में, आपके विधानसभा में क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि इन्हें हम कम से कम, अगर आता हूँ जीत कर तो इन्हें मैं सॉल्व करूँगा सबसे पहले? जो मेरे क्षेत्रीय मुद्दे रहे हैं उसको लेकर मैं हमेशा प्रमुखता से लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और एक मुद्दा जो सबसे बड़ा, जो रोजगार का पूरे उत्तराखंड के लिए, युवाओं के लिए जो रोजगार का है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो बच्चों को खेल के, क्रिकेट के किट दे रहे हैं, पर वो बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। जब खेल मैदान ही नहीं होंगे तो कैसे खेलेगा युवा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? एक यंग कैंडिडेट हैं और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे रखे तो वो मुद्दे भी ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में शायद कामयाब हो सकते हैं जो युवा प्रत्याशी हैं, वो ऐसे ही मुद्दे उठा रहे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल।